आधार कार्ड से गूगल पे कैसे चलाएं। दोस्तों अगर आपका भी अकाउंट SBI में है और आप भी आधार कार्ड से गूगल पे बनाना चाहते हैं और आपके पास में डेबिट कार्ड नहीं है तो दोस्तों बने रहिए इसी वीडियो में। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने आधार कार्ड से आप गूगल पे बनाना चाहते हैं और आपका चाहे बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो नहीं क्या, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में आना है। जैसे प्ले स्टोर में आप आओगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, देखो आपको लिखना है गूगल पे, क्योंकि दोस्तों आपको गूगल पे का लेटेस्ट जो वर्जन है उसमें ही काम करना है, तो काफ़ी अच्छा है वो काम करता है। जो भी इसका गूगल पे आप देख सकते हो, हमारा भी लेटेस्ट है, आप भी इस प्रकार से इसको अपडेट कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप ओपन करोगे इसको, जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके ये अपडेट आया हुआ है, एक बार अपडेट कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसका। ये देखिए अपडेट भी हो चुका है और इसको ओपन भी हो जाएगा 2 मिनट में। ये दोस्तों देखो अभी ये ओपन करेंगे इसको, तो ओपन करते ही अलाउ करने के लिए कहेगा। यहाँ पर आपको वो नंबर भरना है जो आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट हो, नहीं क्या, तो आपको वो नंबर भरना है। तो इसमें हम लोग अभी मोबाइल नंबर भर देंगे और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और एक एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपका नंबर वेरीफाई करेगा, ये इसका नंबर होता है पर्सनल नंबर, नहीं क्या, जो वेरीफिकेशन कर रहा है ये इसका अलग सिस्टम है। बाकी आपको अंदर जाके एक बार और वेरीफाई करवाना होगा, तो देखो OTP वेरीफाई कर रहे हैं, OTP वेरीफाई करके आपको नॉट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको ऐसे इधर आ जाना है। एक्टिवेट बैंक के अब ऐड बैंक का ऑप्शन आपके सामने आएगा, आपके सामने ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर जो भी है SBI का, अगर आपका SBI का बैंक है तो काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको करना क्या है, SBI बैंक का चुनाव कर लेना है और SBI बैंक का चुनाव करते वक्त आपके मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए 100%, मतलब SMS रिचार्ज, और वो उससे ही ये वेरीफाई होगा। देखो दोस्तों यहाँ पर बैंक ऐड हो रहा है, तो इस प्रकार से बैंक ऐड हो जाएगा आपके भी, ये देखिए। अब इस असली बात इसके सामने आता है, UPI नंबर और UPI जो भी पिन है वो इसके बाद आपको एक्टिवेट करना होगा, सेट करना होगा। दोस्तों आप जैसे सेट UPI पिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं, एक है डेबिट कार्ड SBI का और दूसरा है आधार कार्ड, नहीं क्या, तो हम लोग आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको भी आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आधार कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट एंटर करने हैं आपको, जो भी आपके आधार कार्ड के शुरुआत के 6 अंक हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। और दोस्तों हमने एंटर कर दिए हैं और प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक आधार OTP आएगा, अभी जो आप बैंक की तरफ से आया है वो बैंक OTP है, वो आपको नहीं लगाना है, वो आधार के लिए अलग से आएगा। ये देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये SBI की तरफ से आई OTP है, ये अलग है, ये आपको बाद में एंटर करनी है। ये जो आया है ये आधार की तरफ से आने वाला OTP है, जो आधार की तरफ से आता है और उस नंबर पर आएगा जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है। ये आ गया है, देखो आधार कार्ड की तरफ से OTP आ गया है और ऑटोमेटिक इसमें लग चुका है। ये देखिए दोस्तों लग गया है और उसमें राइट के उसमें क्लिक करेंगे, अब ये बैंक का OTP आएगा। देखिए दोस्तों अब जो OTP है ये आपको बैंक में, बैंक वाली OTP आपको अब लगानी है। ये देखिए ये जो बैंक, ये जो OTP है 32 08 42, 32 08 42 ये आपको अब लगाना है। ये देखिए राइट कर देंगे, अब आपको 6 अपने जो भी UPI पिन है वो सेट कर लेने हैं, जो अभी आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। 6 पिन हमने, हमारे 6 पिन सेट कर दिए हैं और हम दोबारा कंफर्म करेंगे इनको, हमने दोबारा भी कंफर्म कर दिए हैं। दोस्तों आप देख सकते हो राइट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखो रीसेटिंग UPI पिन के ऑप्शन पर आ चुका है और हमारा UPI पिन भी सेट हो चुका है, ये देख सकते हो दोस्तों। और इस प्रकार से आप अपने SBI के अकाउंट को इससे जोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि हम किसी को पेमेंट करेंगे, मान लीजिए दोस्तों इसको पेमेंट कर रहे हैं अभी, कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पे के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको, मान लीजिए दोस्तों हम दोबारा से 5 रुपये भेज रहे हैं एक बार, और ये देखिए वही UPI पिन है जो अभी आपने लगाया था, देख सकते हो आप। ये देखिए UPI पिन सेम है और हम लोग अभी लगा रहे हैं इसको, ये पेमेंट हो चुकी है, देख सकते हो आप। तो इस प्रकार से आप भी अपने आधार कार्ड की मदद से गूगल पे का अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के।
ये देखिए दोस्तों, कोई रिवार्ड भी हमें मिल चुका है। ये देखिए, ये हमने स्केच किया, ये रहा 301 रुपये कैशबैक है नेक्स्ट रेफरल पे। अगर हमने किसी को दूसरे पे रेफरल किया किसी को भी, तो इसको 301 रुपये कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए और अभी हमारे रेफरल लिंक से डाउनलोड कीजिए, आपको भी कैशबैक ज़रूर मिलेगा।